भाई आज आपकी बहन उठ गई है सुबह सवेरे और मेरी आवाज़ को करिएगा इग्नोर। सुबह सवेरे मैं क्यों उठी हूँ ये भी आप लोगों को मैं बताती हूँ, लेकिन लेकिन सबसे पहले मैं होती हूँ फ्रेश और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से नाश्ते पे। एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी जरी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी सब कैसे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ना बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे, और मैं भी आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, वो इसलिए क्योंकि आज का व्लॉग होने वाला है डे आउट विद माय कजन्स। तो आज का दिन मैं स्पेंड करने वाली हूँ सारा दिन अपनी कजन्स के साथ। और अभी मैं सुबह उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ, शावर लिया और अभी नाश्ता मेरा बैग पे रेडी है, नाश्ता करते हैं फटाफट से क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। वहाँ पर मुझे कॉल्स पे कॉल आ रही है कि फिर मैंने कोई पिक ही नहीं की क्योंकि भाई की कॉल जा रही थी इसलिए। खैर अभी नाश्ता करते हैं फटाफट से, फिर चलते हैं अम्मी के घर पे, फिर मिलते हैं अम्मी लोगों के घर पे जाके। तो भाई नाश्ता करते हैं, नाश्ते में मेरे पास हैं फ्रेंच टोस्ट। हालांकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है बहुत ज़्यादा, लेकिन भाई मैं बाज नहीं आती। और साथ में मैंने थोड़ी सी चाय बनाई है और साथ में पानी। खैर नाश्ता फटाफट से करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। उसके बाद जी बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग निकल गए थे भाई आउटिंग के लिए, और हम कहाँ जा रहे हैं वो भी आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चलता रहेगा। और ये रही जी मेरी भतीजी, माशाल्लाह माशाल्लाह इतने सुकून से ये बैठी रही, और इसका हाथ पकड़ने की मैं कोशिश करती थी लेकिन उस टाइम पे ये कह रही थी कि नहीं भाई छोड़ दो मुझे, लेकिन ये फिर मेरी दोनों फिंगर्स को पकड़ के बैठी रही है। और उसके बाद हम आ गए हैं मार्केट, थोड़ा सा काम था, क्या काम था, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, वो किस लिए वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता आगे आने वाले ब्लॉग्स में। और यहाँ पर भाभी को कुछ फाउंडेशन चाहिए था, कुछ चीज़ें मैंने लेनी थी, और मैंने स्लीपर्स लेने थे जो कि बहुत ही कम्फर्टेबल होने चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट, और ये काफ़ी अच्छे थे और बहुत ही लाइट वेट थे। तो ये सिंपल स्लीपर्स थे और 900 के, अल्लाह माफ़ करे इतनी महंगाई पाकिस्तान में। यहाँ पे बस मैं चेक कर रही थी, मुझे थोड़े बहुत बड़े लग रहे थे लेकिन लगा कि नहीं भाई ये सही होंगे ले ही लेती हूँ, क्योंकि मेरे साइज़ में ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और उसके बाद हमने रिक्शा लिया और रिक्शे पे बैठे हैं और हम जा रहे हैं भाई अजवा पे डिनर करने के लिए, और साथ में मेरी कज़न्स हैं और देखते हैं वहाँ जाके हम क्या ऑर्डर करते हैं। ये रही मेरी कज़न्स और साथ में मेरी भाभी हैं, वो भी मेरी कज़न है, और कुछ आगे बैठे हुए थे, हम लोग पीछे बैठे हुए थे, गोद में मेरे भतीजा बैठा हुआ था, और इतने जंप लग रहे थे कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। फाइनली हम पहुँच गए थे अजवा पे और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमने अजवा पे आकर क्या ऑर्डर करना है। खैर मेरे भतीजे को आजकल चलने का बहुत ज़्यादा शौक आया हुआ है, तो वो कहता है बस मुझे चलना है, और उसकी जो मतलब कि चलन है ना, चाल है वो इतनी स्लो है ना कि भाई कीड़ी की चाल चलता है वो। तो खैर उसके साथ भी चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और वो फिर सीढ़ियाँ भी कह रहा था कि मैंने खुद से ऊपर जाना है, मुझे कोई उठाए ना। दी एंड भी मैंने कहा भाई ऐसे तो नहीं होने वाला, भाई उठाना पड़ना है यहाँ पे, फिर मैंने उसको उठाया और स्पीडली ऊपर गए और जाकर हम बैठ गए टेबल पे। अच्छा मज़े की बात यह है कि हम बच्चों को फर्स्ट टाइम लेके गए थे, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था बच्चों ने, तो वहाँ पे हंगामे करने स्टार्ट कर दिए थे और वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे भाई इनसे स्पून्स ले लें या फिर कुछ भी, जरी बात है बच्चे हैं तो वो तो तंग करेंगे ही करेंगे। फाइनली हमारा मेन्यू डिसाइड हो गया था कि हमें क्या ऑर्डर करना है, हमने वाइट कढ़ाई ऑर्डर की, साथ में हमने कबाब ऑर्डर किए, साथ में चौमिन्स का ऑप्शन नहीं था, लेकिन मैंने बोला भाई नहीं चौमिन्स आने ही चाहिए। और जैसे ही चौमिन आए ना, फर्स्ट मतलब कि पहले ही शिफ्ट में चौमिन का ट्रे खाली हो गया था, और जो वाइट कढ़ाई और कबाब थे ना वो पेंडिंग भी आ गए थे, मतलब कि पीछे आ गए थे, साथ में हमने रोगनी नान मंगवाए। और यकीन करें कज़न्स के साथ टूर करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, इतना बंदा चिल करता है और गप्पे वप्पे लगाता है, और यहाँ पर बस खाना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जी मेरी भतीजी हुई थी बहुत ज़्यादा तंग, तो हमने उन्हें बोला क्यों ना आप हमें बच्चों वाली चेयर ला के रख दें ताकि हम लोग भी ईजी होकर खाना खा लें। हम उसके हाथ में एक नान का पीस देते थे और कुछ खा के और नीचे गिरा देती थी, इसी तरह से उसने टुक टुक के ना बहुत सारे नान नीचे गिरा दिए थे, लेकिन बच्चे थे यार, बच्चों ने ऐसा नहीं करना तो बच्चे कैसे लगेंगे। खैर लास्ट पे हमने मैंगो मिल्क शेक ऑर्डर किया, प्लस उसमें ना आइसक्रीम भी थी, मैं कहती हूँ इतना टेस्टी इतना यम कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती। भाई किसी ने अगर अजवा ट्राई किया ना तो वहाँ पर जाके आप लोगों ने मिल्क शेक ज़रूर ही ट्राई करना है। ये मे भी मैंगो प्लस क्रीम था, कुछ इसी तरह से था, और मैं कहती हूँ टेस्ट में बहुत ज़्यादा मज़े का था, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं था, बहुत मज़ा आया मिल्क शेक पीने का। और उसके बाद भी हमने जी एक पार्सल रिसीव करना था, ये पार्सल मेरी फ्रेंड का था और उनका आया हुआ था काफ़ी टाइम से, तो लेकिन वो रिसीव नहीं कर पा रही थी, तो मैंने कहा चलो भाई मैं आई हूँ तो मैं ही रिसीव कर लेती हूँ। यहाँ पे कुछ देर वेट करने के बाद थे
थैंक गॉड कि उसका पार्सल मिल गया, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। और उसके बाद हमने फिर से रिक्शा लिया और फिर से हमें कुछ चीज़ें लेनी थी वो ली, और गर्मी इस टाइम पे इतनी ज़्यादा थी ना, और बारीक बारीक जो बारिश होती है ना वो भी हुई थी, लेकिन ना हवा नहीं चल रही थी, ऐसे ना अजीब सा मतलब कि अजीब सी गर्मी हुई थी कि क्या ही बताऊँ आप लोगों का। खैर यहाँ पर फिर हम आ गए थे ट्राउज़र शर्ट वाली शॉप पर, मतलब कि यहाँ पर पैंट्स बहुत अच्छी मिलती हैं, शर्ट्स बहुत अच्छी मिलती हैं, और यहाँ थोड़ा एक्सपेंसिव है ये शॉप, लेकिन इनकी मटेरियल क्वालिटी वाइज मैं कहती हूँ 10 out of 10 है। अगर आप लोगों ने लो क्वालिटी की भी लेनी है ना तो आप लोगों को मिल जाएंगे। मुझे अपने हस्बैंड के लिए ट्राउज़र शर्ट्स चाहिए थी, मतलब कि एक दो शर्ट हो जाए और दो ही ट्राउज़र हो जाए कुछ इसी तरह से, लेकिन मतलब कि 3500 में एक ट्राउज़र था, और मैक्सिमम 3000 की रेंज में आप लोगों को मिलेगा शर्ट, ठीक है। उसके बाद हमने 2 ट्राउज़र लिए और 2 ही शर्ट ली, और वापसी पे हम आ गए थे घर। घर आने पे जनाब जी मेरा पार्सल हो गया था मुझे रिसीव, जो कि ना मुझे कोई काम नहीं है दराज पे ऑर्डर करने के अलावा। तो यहाँ पे जी पार्सल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगवाई थी स्किन केयर के रिलेटेड, इसको ओपन करती हूँ फिर देन आप लोगों को दिखाती हूँ। ये अपटाउन की प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मशहूर हुई हैं, बहुत ज़्यादा इनके रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं। मैंने भी सोचा क्यों ना इनका सीरम ट्राई करती हूँ, इनका फेस वॉश ट्राई करती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल था। पहले इनकी मैंने हैंड एंड फीट भी यूज़ की है, मतलब कि क्रीम भी यूज़ किया, वो भी काफ़ी अच्छी थी, मतलब कि अच्छा जा रहा था। और भी कुछ चीज़ें मेरी भाभियों ने भी मंगवाई थी, उन्होंने भी यूज़ की हैं और वो काफ़ी अच्छे रिव्यू आ रहे थे इसके, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक सीरम मंगवाती हूँ, 4-in-1 था। अभी भाई इसको यूज़ करेंगे तो जो भी प्रॉपर रिव्यू मेरे पास आएगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और उसके बाद हम खाने लगे थे रस प्लस चाय मतलब कि रस वाला बॉक्स दिखा रही थी आपको मैंने आजकल, ये मार्केट में लिप्टन जो है ना पत्ती, उसके इतने प्यारे बॉक्स आए हुए थे, और मेरी अम्मी लोगों ने पत्ती निकाल के ना इसमें रस ऐड कर दिए थे, और इतने फ्रेश रहते ना रस इसमें, और भाई बॉक्स बहुत प्यारा है। मैं तो कहती थी कि अब मैं ना लेके ही आना करना, क्यों लेके आऊँगी और बॉक्स ऐसे कलेक्ट करूँगी और बहुत ही प्यारी प्यारे लगेंगे और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें मैं स्टोर कर लिया करूँगी। और बहुत ही प्यारा बॉक्स था और इसका ना लॉक बहुत अच्छा था और बच्चों से खुलने वाला भी नहीं था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी खाना खाने लगे थे। खाने में हमने बनाए थे, मेरी अम्मी बनाती हैं ये चिप्स और साथ में चिकन, मतलब अम्मी की स्पेशल डिश है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं बिल्कुल आप लोगों को प्रॉपर इसकी ना जो कुक होगा ना तो मैं आप लोगों को प्रॉपर वीडियो बना के दिखाऊंगी। देन फिर हमारे घर पे आ गए थे क्योंकि मैंने अपनी कज़न्स को बोला था कि अभी आप लोगों ने पप्पू के घर पे रह लिया, अब आपकी रहने की बारी आ गया मेरे घर पर, चलते हैं मेरे घर पर। तो आते ही फिर हमने साथ में लूडो खेली, बहुत टाइम के बाद लूडो खेलिया साथ में, फिर पॉपकॉर्न्स बना लिए वो खाए, और साथ में लूडो में मैं जो चीटिंग करती हूँ ना भाई कमाल की करती हूँ, और बहुत ही मज़ा आता है चीटिंग करने का। और ये मेरा भतीजा कहता था कि मेरे मुंह में खुद से डालो, मैंने अपने मुंह में नहीं डालना, इसकी ना बहुत बुरी आदत है, ये अपने हाथ में चीज़ पकड़ के नहीं खाता जी। नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है, नेक्स्ट डे की कोई ऐसी वैसी एक्टिविटी नहीं थी तो यहाँ पे बस मेरी कज़न्स ने फरमाइश की कि आज मैक्रोनी बनेगी, तो यहाँ पे मैं बनाई थी मैक्रोनी। पहले मैंने हल्का सा प्याज को लाइट ब्राउन कर लिया, उसके बाद मैंने चिकन को 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई किया, और उसके बाद आलू भी ऐड कर दी ताकि आलू भी साथ ही फ्राई हो जाए। और उसके बाद मैंने नमक और सिरप जो रेड कलर की होती है ना, मतलब कि दादड़ मिर्च जिसको कहते हैं, वो ऐड किया। उसके अलावा मैंने कोई भी मिर्च ऐड नहीं की, कोई और स्पाइसेस ऐड नहीं किए। और उसके बाद जो आप लोगों ने वेजिटेबल्स डाली हैं वो डाले, जो जो स्पाइसेस डालने हैं वो डाले, मैंने काली मिर्च डाली, चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका, और देन मेरी मैक्रोनी हो गई थी रेडी। और वेजिटेबल में मैंने शिमला मिर्च ऐड की थी और साथ में बंद गोभी और साथ में आलू। और आलू ना कुछ लोग नहीं ऐड करते भाई, आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, आप लोग सिंपल मैक्रोनी और चिकन भी बना सकते हैं, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन मैं आलू को ज़रूर ऐड करती हूँ और शिमला मिर्च वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये रही जी मेरी मैक्रोनी की फ़ाइनल लुक, चलें जी अभी मैक्रोनी को इंजॉय करते हैं। और तब तक अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी कर दें ताकि थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल जाती है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। और यहाँ पर बस मैक्रोनी खाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी लग रही थी क्योंकि गर्म गर्म थी, इसलिए मैक्रोनी खाने के बाद जी जनाब हम ले आए थे आइसक्रीम, जो कि एक दिन पहले आई थी, उस दिन हमने इतना कुछ खाया था, उस दिन गुंजाइश ही नहीं थी, तो फिर हमने ये नेक्स्ट डे पे रख ली थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को हर न्यू आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी के लिए दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।